अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पिछले न जाने कितने दिनों से चर्चा का विषय रहा हाउडी मोदी कार्यक्रम 22 सितंबर को कुछ ऐसी जगह पर आकर खत्म हुआ कि एनआरजी स्टेडियम में करीब करीब 50,000 लोगों की संख्या से खचाखच भरे स्टेडियम में मौजूद हर कोई मोदीमय हो गया। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी, क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री मोदी जब भी अमेरिकी यात्रा पर जाते हैं वहां भारतीय प्रवास के लोगों को तो संबोधित करते ही हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब पीएम मोदी के साथ एनआरजी स्टेडियम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, जो भारतीयों के लिए पीएम मोदी के संबोधन को सुनना चाहते थे। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था का कारण बताया। साथ ही एक और अहम बात जो भविष्य के लिए पीएम मोदी ने कही, वो था वो नारा जो 2014 से अब तक भारत में चला आ रहा है। 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये नारा खूब चला था कि अब की बार मोदी सरकार। यही माहौल ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में भी देखने को मिला और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नया नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। अगले टर्म में भी ट्रंप के ही सत्ता में आने की कामना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब भी मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला उनसे मुलाकात में गर्माहट, मित्रता और ऊर्जा देखी। वहीं ट्रंप भी पीएम मोदी की सराहना करने से पीछे नहीं रहे, कहा कि भारत में पीएम मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रंप ने मंच पर खुद को पीएम मोदी के साथ खड़े होने को अपना सौभाग्य माना और कहा कि हमारे सपने साझे हैं और प्रवासी भारतीयों पर हमें गर्व है। भारत अमेरिका एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बता दें कि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगले साल यानी कि 2020 में होने वाले चुनाव की तैयारियां नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने दो साल पहले यानी कि साल 2018 से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। पिट्सबर्ग में एक रैली को संबोधित भी किया था, साथ ही नारा भी दिया था, कीप अमेरिका ग्रेट, जो कि 2016 में चुनाव से पहले था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि काफी चर्चित भी हुआ था। रैली के दौरान उनके कई समर्थकों ने इस नारे के साथ हैट भी लगाया हुआ था। तो अपने चुनाव के लिए एक नारा जो ट्रंप ने दिया था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस बार का नारा था कीप अमेरिका ग्रेट। और ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए जो नया नारा दिया वो है अब की बार ट्रंप सरकार। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के नारे का इस्तेमाल ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में करते भी हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो फिर पीएम मोदी की तरह उन्हें भी इसका भरपूर फायदा मिलता है या नहीं। He has already made the American economy strong again. He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, ab ki baar Trump sarkar, rang loud and clear. And his celebration of Diwali in the house, White House, lit up millions of faces with joy and appreciation. When I met him for the first time, he said to me, India has a true friend in White House. Good morning, Houston. Good morning, Texas. Good morning, America.
ग्रीटिंग्स टू माय फेलो इंडियंस इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, दिस मॉर्निंग वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद अस। He needs no introduction. His name is familiar to every person on the planet. His name comes up in almost every conversation in the world on global politics. His every word is followed by tens of millions. He was a household name and very popular even before he went on to occupy the highest office in this great country. From CEO to Commander-in-Chief, from boardrooms to the Oval Office, from studios to global stage, from politics to the economy and to security, he has left a deep and lasting impact everywhere. Today, he is here with us. It is my honor and privilege to welcome here in this magnificent stadium and magnificent gathering. And I can say I had a chance to meet him often, and every time I found the friendliness, warmth, energy, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. This is extraordinary. This is unprecedented. Friends, as I told you, we have met a few times, and every time he has been the same warm, friendly, accessible, energetic, and full of wit. I admire him for something more: a sense of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief
इन अमेरिकन फ्यूचर एंड अ स्ट्रांग रिजॉल्व टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।